चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। चला बड़ा लत्ता कपड़ा नहीं खरीद पा रहा, बालकों का भविष्य मतलब स्कूल में ड्रेस कितने की बनाई, बच्चों की परवरिश कैसे होगी इतनी में। तो एक साल और आप जो है सुरक्षा के नाम पे वोट दे सके, बस और क्या है। अगर अगली बार ना खरी उतर पाए, आखिरी चांस है। जिसने मेहनत की थी वो भी ऐसा ही, जिसने मेहनत की नहीं वो भी ऐसा ही है। फिलहाल तो देख लो अब ऐसे ही है, पेपर लीक हो गया, सब जगह पेपर लीक हो गया। दो दिन बाद पता लगा आपके पेपर यहाँ का भी लीक है, सब जगह लीक है पेपर, कहीं का भी देख लो आप। नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही इसमें, और जहाँ से पेपर बता रहे छपका था वहाँ से भी दिक्कत हो सके, तो इस पर कार्रवाई चल रही है। अच्छी बात है सरकार ने हमारी बात सुनी। लालू ने कहता मोदी तो हिंदू है ही नहीं, इन वहाँ मेरी ना तो दाढ़ी बनाई और न बाल कटवाए। किसने? मोदी ने। बोला हिंदू नहीं है, कोई गाँव जाटों का है और मेरे जैसे गरीब आदमी है, कोई नीची जाति, तो वे लट्टे भी डुबा देंगे। बोला साले भाजपा को दे दे, तो जिसकी लट्टी उसकी भैंस हो आजकल। जैसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के राजपुर अड्डे पर है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग सभी पार्टियों ने ज़्यादातर अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है। मुजफ्फरनगर की हम बात करें तो दो बार सांसद रह चुके भाजपा से डॉक्टर संजीव बालियान को भाजपा ने दोबारा से टिकट दिया है, और वहीं समाजवादी पार्टी ने हरिंदर मलिक को अपना प्रत्याशी बनाया है। हम अभी चुनाव को के बारे में लोगों से बात करेंगे कि जानेंगे क्या लगता है इस बार चुनाव को लेकर, लोगों का क्या कहना है और क्या मानना है। जी नमस्कार जी। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो क्या लग रहा है इस बार, क्या देख रही है जनता? हम वोट देंगे हरिंदर मलिक को। अच्छा, हरिंदर मलिक हमारा है बिल्कुल ठीक फिट आदमी। अच्छा, बढ़िया आदमी है। अच्छे हाँ सुधरा। अच्छा, वो संजीव बालियान भी तो अच्छे आदमी है वो कहते हैं। बढ़िया आदमी है वो भी। अच्छा अच्छा, उसकी कोई हम बुराई कर रहे हैं, बढ़िया आदमी है वो भी। अच्छा, पर भाई देख जो इन्होंने गड़बड़ कर दी वह गड़बड़ खराब कर दी, हम देंगे बिल्कुल हरिंदर मलिक को। किसने कर दी गड़बड़? इन्होंने, मोदी ने। क्या लग रहा है भाजपा ने संजीव बालियान को टिकट दे दिया, इधर जो है हरिंदर मलिक लड़ रहे गठबंधन से? भाई हमारे लिए तो सारा काम बढ़िया हो रहा। सारा बढ़िया हो रहा? हाँ। क्या बढ़िया हो रहा भाई? कोटा फ्री मिल रहा, 2000 रुपये मिल ले, सम्मान नहीं थी। हाँ, लेकिन बहुत सारे किसान तो कह रहे हैं कि इतना तो हमारा आवारा पशु खा जाता है। तो जा रहे। अच्छा, आवारा पशु की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ भाई अभी होते इसमें कोई दिक्कत नहीं, आवारा पशु है, साथ साथ समाधान हो जाएगा। 14 एकदम तो थोड़ा समाधान हो। अच्छा, तो हो रहा सम्मान नहीं दे दो किसानों को मिलते, आपके पास खेत है? हाँ। अच्छा, तो कह रहे खेत नहीं है? है क्यों नहीं, खेत है मेरे पास। हाँ, सम्मान नहीं मिली, कोटा फिर मिल रहा, सारे काम बढ़िया हो रही। मान लिया पहले चोरी हो रही थी, जानी हो रही भी जा। अच्छा, किसी डाल घूमो जा रात दिन। आपका नाम? विजय पाल सिंह। अच्छा, चुनाव आ रहे तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा होगी? अच्छा, क्या नजर आ रहा भाजपा में? भाजपा में सारे काम करे, बढ़िया ही करे जो कुछ। अच्छा, क्या क्या कर रही है वैसे, थोड़ा सा बताइए कुछ, क्या क्या काम आपको अच्छे लगे? सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी हटाई दी। अच्छा, अरे भाई दूसरा है किसी टाइम जाओ किसी टाइम आओ, रास्ते बनाए दिए, बड़ी बड़ी सड़क बनाए दी, और जी सारे काम ठीक करे। अच्छा, यहाँ से टिकट हो गया संजीव बालियान है, एक तरफ में जैसे बालियान को वोट देंगे। अच्छा, बालियान साहब, वो पिछली बार कहाँ किया था वैसे? बालियान को ही दिया था। अच्छा, आपका काम अच्छा कर पाए वो बालियान? हाँ, तो तीसरी बार आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी जी। हाँ पूरा। जी भाई साहब, आपका नाम? अभिषेक भाई। अच्छा, क्या करते हो भाई साहब? पढ़ाई करता हूँ भाई, स्टडी। अच्छा, वोट बन गई आपकी? हाँ बन गई। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव आ रहे, आप तो फर्स्ट टाइम वोटर हो, फर्स्ट टाइम वोटर पे सबकी निगाहें होती है, तो इस बार क्या देख रहे हो? बहुत बेरोजगार देख रहे भाई हम यहाँ पे तो। अच्छा, बहुत ज़्यादा देख लो अब, ऐसे बेरोजगार देख लो कितने बंदे घूमते फिर यहाँ पे ऐसे ही। अच्छा, बेरोजगारी काफ़ी है? बेरोजगार काफ़ी है फिलहाल तो। अच्छा, अभी यूपी पुलिस की भर्ती भी आई थी देखा जाए तो, पेपर भी लीक हो गया है। पेपर भी लीक हो गया भाई, सब उसको कैसे देखते हैं? मेहनत जो है स्टूडेंट की खराब हो गई। देखो जिसने मेहनत की थी वो भी ऐसा ही, जिसने मेहनत की नहीं वो भी ऐसा ही है फिलहाल तो। देख लो अब ऐसे ही है, पेपर लीक हो गया, सब जगह पेपर लीक हो गया। दो दिन बाद पता लगा आपके पेपर यहाँ का भी लीक है, सब जगह लीक है पेपर, कहीं का भी देख लो आप। अब देख लो जो बंदे ने मेहनत करी वो भी ऐसा ही, जिसने ना करी वो भी ऐसा ही है। ये भी देख लो आप, ऐसा कैसे चलेगा।
तो कहा है कि 6 महीने बाद पेपर हो गया, आपको उम्मीद है कि दोबारा से पेपर होगा? पता नहीं भाई, कह तो रहे थे नरेंद्र मोदी साहब फिर में भी बोले थे दोबारा पेपर होगा, तो पता नहीं दोबारा भी होगा नहीं होगा, वो तो पता करेंगे खुद बखुद अपने आप। एक तरफ बीजेपी से संजीव बालियान है, दूसरी तरफ हरेंद्र मलिक है, तो किसको आप चुनने की वो कर रहे हो? कोई सब भी नहीं भाई। अच्छा, अभी का मन नहीं बनाया? पढ़ने लिखने पे कुछ चीजें हो रही है इस सरकार में? हाँ जी हो रही है, बतेरा काम सारी मोजी मोज हो रही। अच्छा, यूपी पुलिस के फॉर्म लिख रहे थे अभी, लीक हो गया। हाँ, तो कैसे देख रहे हैं सरकार? तो ये कह रही है कि हमारी सरकार में कोई लीक नहीं होता पेपर, वो तो हो गया। नहीं, वो कुछ गलती रही होगी ना इस चीज की है? और उसके बाद अब फिर वो कर दिया कि 6 महीने बाद दोबारा होगा। उम्मीद है आपको 6 महीने बाद हो गया जी? उम्मीद है। फिर से अगर लीक हो गया? नहीं, अब की बार तो नहीं होना, अब की बार नहीं होने का। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष बदली रेणु का मिश्रा थी जो, इन्होंने बदल दिया। अच्छा, तो हाँ कुछ अच्छा है होने की उम्मीद है अब की बार। अगर मिश्रा जी से ऊपर बैठ गया कोई आके फिर, तो उसके बारे में कुछ कह सकते? वैसे बच्चों की भी गलती है इसमें, ये कल ही सरकार तो पेपर लीक नहीं कराती, उसमें बच्चे के भी तो है ना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के हाथ में होता है ना पूरा प्रॉपर, भी कैसे चीज़ें होनी है कैसे नहीं होनी है भाई। स्टूडेंट पे पेपर तो तभी आएगा जब वो करने बैठेगा, लेकिन सिस्टम के जो लोग गए थे बाकायदा प्रशासन की देखभाल में वो पेपर आता है। हाँ नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक रही इसमें, और जहाँ से पेपर बता रहे छपका था वहाँ से भी दिक्कत हो सके, तो इस पर कार्रवाई चल रही है। अच्छी बात है सरकार ने हमारी बात सुनी, पेपर कैंसिल करके दोबारा री एग्ज़ाम करने की जो घोषणा की है वो अच्छी बात है। हाँ, तो उम्मीद है कुछ अच्छा हो जाएगा। जी भाई साहब, आपका नाम? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह, हाँ जी। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, एक तरफ हरिंदर मलिक है, दूसरे तरफ संजीव बालियान है, क्या लगता है आपको? क्या बताओ, सही लग रहा है ये बस। सही लग रहा? नहीं, दो प्रत्याशी है, दोनों में से आप, सरकार भी रही है पिछले 10 साल से जो है भाजपा सरकार है, 7 साल से यूपी में है, तो आपकी बालियान आ रहा है जी, फुगड़ने का हूँ मैं। अच्छा, फुगड़ने के बालियान आ रहा है हमारी तरफ। नहीं, हरिंदर भी है, हरिंदर मलिक भी आते हैं अराउंड हमारे, बालियान ज़्यादा रिक्स ले रहे हमारे। अच्छा है, संजीव बालियान जी। चलो, ये तो कैंडिडेट की बात हो गई है, लेकिन अगर ऊपर की सरकार की बात करें तो उनका कार्यकाल कैसा लग रहा है? कार्यकाल अब अच्छा लग रहा है ना। अच्छा, बीजेपी का अच्छा लग रहा है कार्यकाल। अच्छा, क्या क्या अच्छा लग रहा है वैसे थोड़ा सा? कार्यकाल अच्छा नहीं लग रहा है, एक तो गुंडागर्दी खत्म हो रही है, वो हमारे एरिया की बात है सबसे पहली बात, तो गुंडागर्दी। दूसरी बात मतलब के जो काम सोचा है वो तुरंत हो गए, तुरंत होते हैं। और महंगाई की अगर हम बात करें, कह रहे कि गैस सिलेंडर महंगा, गैस महंगाई में, महंगाई में पीछे है सरकार बिल्कुल। हाँ, कि काफ़ी महंगाई हो रहा है, कि आदमी जो है किचन नहीं चला पा रहा है, अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा, लत्ता कपड़ा नहीं खरीद पा रहा, बालकों का भविष्य मतलब स्कूल में ड्रेस कितने की बनाएगी, बच्चों की परवरिश कैसे होगी इतनी महंगाई में, तो फिर कैसे आप कह रहे हो कि महंगी है स्कूल की? सरकार अच्छा काम कर रही है, फिर आप कैसे कह रहे हो? अच्छा नहीं कर रहे, मतलब थोड़ा सा ये है गुंडागर्दी खत्म हो रही है बिल्कुल। लेकिन अगर आंकड़ों की बात, महंगाई के हिसाब लगाया देखे पीछे है सरकार बिल्कुल जी। तो तीसरी बार मौका दोगे आप? हाँ, मौका तो मिलेगा खैर। अच्छा, आप सुरक्षा के नाम पे आप वोट करो? देख रहे आवास की घड़ी सबसे बड़ी बताई। अच्छा, आवास है की बस महंगाई पे कंट्रोल हो जाए। लेकिन पिछले 10 साल में देश पे 1,64,00,000 करोड़ रुपए का जो है इस भारत देश पे कर्ज हो गया है, तो आगे वो और बढ़ेगा, यानी कि महंगाई और बढ़ेगी, उसको कैसे देख? उसे तो सरकार देखेगी, हम कैसे देखेंगे जी? अच्छा, तो 1 साल और आप जो है सुरक्षा के नाम पे वोट दे सके बस, और क्या है जी? अगर अगली बार ना खरी उतर पाए, आखिरी चांस है यो। अच्छा, आखिरी चांस है बस जी, यही बात है। आपका नाम? जयप्रकाश फौजी। अच्छा फौजी, आपका नाम? नाम मालू है। मालू। अच्छा, चुनाव आ रहे, दोनों साथ बैठे, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का मामला? भाई मोदी तजर्बेकार आदमी है। बेकार? तजर्बेकार। अच्छा, तजर्बेकार। तजर्बेकार राहुल है, बेतजर्बेकार। अच्छा, ऑटो राउंड है, कबड्डी खेलना चाहे उसे। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर राहुल गांधी ना घोषित हो फिर किसी और को बनाए? वो अर्जुन मल्लिका खर्जुन है, मल्लिका खड़गे भी ऐसा ही है, खड़गे अध्यक्ष है। अच्छा, खड़गे भी बस लालू को बना दो, लालू को कहता मोदी तो हिंदू है ही नहीं, इन वहाँ मेरी ना तो दाढ़ी बनाई और ना बाल कटवाए। किसने? मोदी ने। हाँ, बोला हिंदू नहीं है। अच्छा, हिंदू तो बाल कटवावे हैं दाढ़ी के भी, होता है ऐसा? हाँ। अच्छा, फिर मोदी ने कटवाई क्यों नहीं बाल? वो सब धर्मों को बराबर मानने, सब धर्मों को बराबर मान रहा हो। अच्छा,
अच्छा, हिंदू हो मुसलमान हो सिख ईसाई हो, लेकिन एक बार टोपी उसके लिए सब बरूबर है। लेकिन एक बार टोपी नहीं लगाई थी उन्होंने कि मैं टोपी नहीं लगाऊंगा मगोल वाली। हाँ, तो थोड़ा फेवर ज्यादा था। अच्छा, दो कैंडिडेट है नरेंद्र मलिक और संजय बालियान, तो क्या ठीक है? ठीक है, नरेंद्र मलिक को दो वोट, उसका पता ही नहीं कहाँ है हमें तो। लेकिन कभी बनाया वो भी अब है, अब बनने के चक्कर में है। जो एक गठबंधन हुआ जयंत गया भाजपा के साथ, इसका फायदा होगा या दो ही पर रह जाएगा? भाजपा को फायदा होना चाहिए, होना चाहिए, होना होगा। लेकिन जाट पार्टी है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी दावा करते थे तो कोई गांव जाटों का है और मेरे जैसे गरीब आदमी है, कोई नीची जाति, तो वे लड़ते भी डुबा देंगे, बोला साले भाजपा को दे दे, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो आजकल। अब किसान जा लिए, किसान जा रहे बॉर्डर पे, दिल्ली में करेंगे काम। अच्छा, उनकी तो मान लेंगे। अच्छा अच्छा, फिर वो है बाप, आप मेरे बाप हो, आपके चार बच्चे हैं, एक मजदूर है, एक किसान है, एक व्यापारी है, हैं? तो चारों की तो मान लोगे? अब किसान कोई ऊपर आसान मानता है। मोदी जो है कहते थे कि मैं 400 पार का दावा ठोक दिया है, लेकिन क्या जरूरत है नीतीश को अपने साथ लेने की और जी जयंत को अपने साथ लेने की और भी बहुत सारी पार्टी अपने साथ ले रही, या फिर एक हार का डर है कि हार ना जाए गठबंधन बना के हम जीत जाएंगे? हाँ भाई, आरजेडी की पार्टी का ले लिया, कांग्रेस की ले लिया, और क्या जरूरत है जब मोदी अकेले दम पे जीत सकते हैं, या खतरा है कि भाई गठबंधन करके हम जीतेंगे? वो क्या करें, ज्यादा लकड़ी होंगी गट्ठा तो टूटे नहीं, और एक एक टोक टूट जाएगी। अच्छा, एक डंडा है तो तोड़ दो, और जब कई डंडे मिल गए तो टूटने नहीं, तो सबको मिला के थोड़ा सा बंडल बन जाएगा। अच्छा, और टूटे नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ। हम अभी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के गांव राजपुर अड्डे पर थे, यहाँ पे हमने लोगों से चुनाव के बारे में बात की, सभी लोगों ने अपनी राय रखी। जुड़े रहे सीसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।